हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए फिंगर पपेट बने हुए हैं। राजा, भूरी बिल्ली, तोता, बंदर, पेड़, लड़का, काली बिल्ली, शेर और ये लोमड़ी। इनसे हम इन फिंगर पपेट की सहायता से हम बंदरबांट कहानी, इसमें क्या शक है, तालाब में चांद और अगर पेड़ भी चलते होते, मुर्गा और लोमड़ी और बोलती गुफा जैसी कहानियों को हम बच्चों को आसानी से अच्छे से सुना सकते हैं। इंटरेस्ट जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। इसमें करना क्या है कि इन फिंगर पपेट को हमें अपनी उंगली के अंदर में इस तरीके से इसको पहना लेना है। जैसे हमने इस तरीके से इसको पहना लिया तो ये हमारा राजा का फिंगर पपेट बन गया। और इसके बाद हम इस तोते को अपने दूसरी फिंगर में इस तरीके से फंसा लेंगे तो ये हमारे तोते का फिंगर पपेट बन गया। अब हम इसके सहायता से कहानी बच्चों को सुना सकते हैं कि एक राजा था और वो एक तोते की दुकान पे गया और वहाँ पे उसने तोते को सुन तोते वाले के तोते के मालिक ने कहा कि ये जो है तोता हमारा वो बोलता है। तो राजा ने कहा अच्छा। तो राजा ने उससे कई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर उसने हर बार कहा कि इसमें क्या शक है। और राजा को लगा कि अरे वाह, ये तोता तो बोलता है। जब वो घर पर ख़रीद के ले आया और जब उससे बात करने लगा तो उसे लगा कि अरे ये क्या, ये तो बोल ही नहीं रहा, ये तो हर बात में इसमें क्या शक है बोल रहा है। तो राजा गुस्सा जाता है और कहता है कि बेवकूफ़, तुम क्यों हर बात एक ही बार रट लगा रहे हो। तो तोता कहता है कि अरे इसमें क्या शक है। तो कहे क्या मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ही तुम्हें खरीद ला क्या, यहाँ इसमें क्या शक है। तो इस तरीके से हम बच्चों को इंटरेस्ट कहानी को सुना सकते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद